नहीं देखिए, ये सब कोई हम लोगों के स्तर पर कोई बात नहीं है, एकदम क्लियर रही है यार। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह लड़ते रही है और आगे भी लड़ते रहिए, स्पष्ट रही है। हमारी बैठक लोकसभा चुनाव के अंतर्गत हो रहा है। पगड़ी का जवाब में पगड़ी के समय सम्राट जी आपने। बिहार में मचे सियासी घमासान के बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें। सम्राट चौधरी पटना पहुंच चुके हैं, बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी दिल्ली से पटना लौट आए हैं। बिहार में सियासी घमासान जारी है। किसी भी वक्त नीतीश कुमार इस्तीफा राज्यपाल को सौंपकर बीजेपी के साथ जा सकते हैं, एनडीए में शामिल हो सकते हैं। बिहार में सियासी हालात इस वक्त बिगड़े हुए हैं। नीतीश कुमार खेला करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो दिल्ली में अमित शाह ने बिहार भाजपा के नेताओं के साथ बड़ी बैठक की है। अमित शाह ने बिहार को लेकर यह बैठक की है। रेणु देवी से लेकर विनोद तावड़े तक, सम्राट चौधरी तक इस बैठक में शामिल हुए। सम्राट चौधरी दिल्ली से पटना पहुंचे, क्या करें जरा वो सुनिए। 4 बजे बैठक बुलाया है, इसमें लोकसभा प्रभारी हमारे सम्राट जी, सम्राट जी जो स्थिति बनी हुई है बिहार में उस पर क्या लगता है, आप लोग फिर से मतलब नीतीश जी को साथ लेके जा रहे हैं सरकार में या सर? नहीं देखिए, ये सब कोई हम लोगों के स्तर पर कोई बात नहीं है, एकदम क्लियर रही है यार। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह लड़ते रही है और आगे भी लड़ते, किसके खिलाफ लड़ती थी? दरवाजा खुलता भी है। अब जो समय जो बोले हैं उनसे पूछिए। सम्राट जी दिल्ली में कुछ इन विषयों पर बात नहीं हो पाई क्योंकि पगड़ी आपने बांधा था, एक सौगंध लिया था, क्या समय आने वाला नजदीक? स्पष्ट रहिए, हमारी बैठक लोकसभा चुनाव के अंतर्गत हो रहा है। पगड़ी का जवाब में पगड़ी के समय। सम्राट जी आपने एक बात और कहा था, इंजन और बोगी, क्या इस बार बीजेपी इंजन बन के चल रही है या बोगी बनकर मौका देगी सर? पता नहीं। तो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को आप सुन रहे थे। दिल्ली से अमित शाह की बैठक से शामिल होकर सम्राट चौधरी पटना लौटे। देखिए जिस तरीके से बिहार में मौजूदा सियासी हालात बने हैं, कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन इतना तो क्लियर नजर आ रहा है कि आने वाले 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर बिहार में बड़ा खेला हो जाएगा। नीतीश कुमार को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है कि नीतीश कुमार किसी भी वक्त एनडीए में जा सकते हैं और एक बार फिर से वो बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने भी अब तक अपना रुख क्लियर नहीं किया है। इधर बीजेपी नेताओं की बड़ी बैठक दिल्ली में हुई है। चिराग पासवान एनडीए के घटक दल के नेता है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो है। अमित शाह ने उन्हें भी दिल्ली बुलाया है और नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी को लेकर दिल्ली में मैराथन बैठक चली बीजेपी की। तो कहीं ना कहीं दिल्ली से लेकर पटना तक गहमागहमी है। सम्राट चौधरी वो व्यक्ति है जिन्होंने दावा किया बिहार में सरकार बदलने के बाद कि वो नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाकर ही दम लेंगे। उन्होंने पगड़ी बानी और कहा कि ये मुरेठा तब खुलेगा जब बिहार में नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटा देंगे। तो अब नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाने की बारी आ गई है। बीजेपी ने एक बड़ी रणनीति बनाई है, दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई है और जब सवाल भी सुने होंगे आपने, पूछा गया सम्राट चौधरी से कि क्या ये पगड़ी अब खुलने वाली है। सम्राट चौधरी ने कहा कि वक्त पर ही खुलेगी, यानी बीजेपी की रणनीति तो है, नीतीश अगला फैसला क्या लेंगे ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे, धन्यवाद।